हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को भी मालूम है फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल अभी भी चल रहे हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन ऑर्डर किया था लेकिन आज मेरे पास डिलीवरी हो गया है नथिंग ब्रांड का सबसे सस्ता और पावरफुल 5G स्मार्टफोन CMF Phone 1। तो हमारे पास ये स्मार्टफोन आ ही गया, तो चलो आज हम इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ FPS मीटर ऑन करके फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि ये स्मार्टफोन मेरा नहीं, मेरा दोस्त का है और सेल से पहले मैंने इस स्मार्टफोन को 15,000 पर ऑर्डर किया था, बट मेरा दोस्त ने इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर इस स्मार्टफोन को सिर्फ 13,000 पर परचेस किया है। तो आज हम इस स्मार्टफोन को अंडर 13,000 प्राइसिंग के हिसाब से जज करने वाले, और अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आप लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अंडर 13,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। और इस स्मार्टफोन का हैंड कैम गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के अंदर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाके एक बार वीडियो को चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोगों को यह स्मार्टफोन आफ्टर बैंक ऑफर 13,000 पर परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो लिंक से जाके परचेस करना, चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो चलो भाई लोग, सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। CMF बाय नथिंग फोन 1 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 8-bit HDR 10 प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7300, 4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है, बैटरी है 5000 mAh, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं है। डुअल रियर कैमरा सेटअप है, 50MP मेन सेंसर, 2MP प्रोटेक्ट सेंसर, फ्रंट कैमरा 16MP का। इस स्मार्टफोन के अंदर दो रैम और स्टोरेज वेरिएंट है, बेस वेरिएंट 6128 और अपर वेरिएंट 8128। तो मेरे पास 6128GB वाला वेरिएंट है जो आफ्टर बैंक ऑफर बिग बिलियन डे सेल के अंदर 13,000 पर मिल गया है। सो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारा डिवाइस, नेक्स्ट एक Type-C चार्जिंग केबल, कुछ यूजर मैनुअल पेपर मतलब नथिंग के तरफ से लव लेटर और एक सिम इजेक्टर पिन। सो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो सभी चीजों को साइड में रख के सीधा गेम की तरफ चलते हैं। सो अभी गाइस देख सकते हो CMF फोन 1 स्मार्टफोन के ऊपर फ्री फायर मैक्स गेम ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद गाइस सबसे पहले मैं गेम मोड आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहां पर गेम मोड के अंदर देख सकते हो परफॉर्मेंस मोड मेरा ऑन है, और उसके बाद ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 165, रेड डॉट 135, और ग्राफिक्स मैंने पहले से मैक्स के ऊपर सेट करके रखा है। FPS कलर फिल्टर शैडो सब कुछ मैक्स के ऊपर ही सेट है। सो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले CS रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो गाइस आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया, और सॉरी गाइस मैंने FPS मीटर को ऑन करना भूल गया था। तो अभी चलो FPS मीटर के साथ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देख लेते हैं। Take down.
ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहां पर देख लिया। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्ले की बात करें तो इस बार नथिंग ने इस स्मार्टफोन के अंदर अंडर 13,000 की सबसे पावरफुल 5G चिपसेट का यूज किया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 5G। बेसिकली ये एक 4 नैनोमीटर का चिपसेट है जहां पर आप लोगों को एंटूटु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा 6,70,000 के ऊपर। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो इतना ज्यादा पावरफुल चिपसेट वो भी 13,000 पर। तो यहाँ पर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मेरे को तो टॉप नॉच लगा है, अंडर 13,000 की सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बोल सकते हो CMF Phone 1 को, जिसका प्रूफ भी आप लोग गेम के अंदर देख सकते हो। CS रैंक मैच के अंदर मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इशू नहीं था और फुल मैप रैंक मैच के अंदर भी स्किन रिकॉर्डिंग के साथ आप लोग स्टेबल 60 FPS का गेम प्ले कर सकते हो। हाँ कभी कभी 57 FPS जाता है लेकिन उसके नीचे FPS ड्रॉप नहीं हो रहा। सो गाइस अंडर 13,000 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से इस स्मार्टफोन को आप लोग आंख बंद करके ले सकते हो। नेक्स्ट गाइस डिस्प्ले और सेंसिटिविटी की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले, जिसका पीक ब्राइटनेस है 2000 nits और AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से गाइस डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लगा है। उसके साथ ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से गेम के अंदर आप लोगों को कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा, फोन भाई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव फील होता है। नेक्स्ट भाई लोग बैटरी और चार्जिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 5000 mAh का एक मैसिव बैटरी, उसके साथ LTPS AMOLED डिस्प्ले और 4 नैनोमीटर चिपसेट होने की वजह से बैटरी बैकअप मेरे को काफी बढ़िया लगा है। लेकिन एक दिक्कत है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं मिलता है, बट ये स्मार्टफोन 33 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट भाई लोग कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को रियर सेट के ऊपर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, मेन सेंसर 50MP प्लस 2MP डेप्थ सेंसर और फ्रंट कैमरा है 16MP का। तो प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा क्वालिटी मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा है। रियर कैमरा के मदद से आप लोग काफी अच्छा शार्प इमेज कैप्चर कर सकते हो लेकिन फ्रंट कैमरा कभी कभी हाइलाइट्स को थोड़ा सा ब्लोन आउट कर देता है। फिर भी गाइस अंडर 13,000 के हिसाब से इससे बेहतर कैमरा आप लोगों को किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस स्मार्टफोन के अंदर कुछ कमियां भी है, जैसे डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता है और इस प्राइस रेंज के अंदर बाकी बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक भी मिसिंग है, X-axis लीनियर मोटर नहीं है, वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर भी गाइस गेम खेलते टाइम ये स्मार्टफोन काफी ठंडा रहता है दूसरे वेपर कूलिंग सिस्टम चेम्बर वाला स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कुछ खटर मटर सेंसर का सपोर्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ये था CMF बाय नथिंग फोन 1 5G स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। तो कंक्लूजन पर क्या अंडर 13,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं? तो गाइस देखो अगर आप लोगों को ये स्मार्टफोन अंडर 13,000 तो छोड़ो अंडर 14,000 के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा ना, तो आंख बंद करके गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस कर सकते हो, फोन एकदम मस्त स्मार्टफोन है। और हाँ याद रखना नीचे लिंक है, सो लिंक से जाकर परचेस करना। तो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।